दोस्तों बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने एक ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर रखा हुआ है जो कि काफ़ी पुराने मॉडल का वोल्टेज स्टेबलाइजर है और ये है आपका ब्लूबर्ड कंपनी का वोल्टेज स्टेबलाइजर जो कि मेन लाइन पर यूज़ होता है। तो दोस्तों आपने देखा ये स्टेबलाइजर हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा हमिंग कर रहा है, इसके जरिए बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है और फिर इसमें काफ़ी शोर शराबा हो रहा है और फिर ये वोल्टेज भी कंट्रोल नहीं कर रहा है। देखिए इसका सर्किट है और इसमें देखिए चार ऑपरेटिंग रिले और एक टाइमर रिले दे रखी है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम किस तरह से इसे रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि ये स्टेबलाइजर या ये सर्किट ये फॉल्ट ऐसा है, ये किसी भी सर्किट में आ सकता है, किसी भी स्टेबलाइजर में आ सकता है और जो फॉल्ट हम आपको बताने वाले हैं उससे आपको रिपेयर करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इस स्टेबलाइजर में जो फॉल्ट आ रहा है इसकी रिले बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि रिले को वोल्टेज सही से नहीं मिल पा रहे हैं। सही वोल्टेज मिलने का मकसद यह है कि इसे रिले को हमारी जो रिले जितनी लगी होती हैं ये सब डीसी रिले होती हैं, इसे प्योर डीसी चाहिए होती है। अगर प्योर डीसी इन्हें नहीं मिलेगी तो फिर रिले काफ़ी आवाज़ करेंगी और सही से अपना वर्क नहीं करेंगी, और अगर रिले सही से वर्क नहीं करेंगी तो हमारा स्टेबलाइजर भी हाई वोल्टेज या फिर लो वोल्टेज देगा। इसमें प्रॉब्लम यही आ रही है। अब देखिए डीसी इसे प्योर कैसे मिले, तो देखिए डीसी के लिए इसमें ये डायोड होते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं और ये कैपेसिटर वगैरह दे रखे होते हैं जो कि डीसी को फिल्टर करते हैं, यानी कि प्योर डीसी जो हमारी रिले में जाती है रिले की कॉइल पर, जिससे हमारी रिले सही से वर्क करती है। अगर ये कैपेसिटर वगैरह वीक हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिले को प्योर डीसी नहीं मिल पाती है, तो उस समय इस तरह की दिक्कत आती है। और ये कैपेसिटर वगैरह जो आप इसमें देख रहे हैं काफ़ी पुराने कैपेसिटर हैं, तो फिर हमें ये कैपेसिटर चेंज करने होंगे। एक एक करके हम कैपेसिटर चेंज करते हैं और देखिए इसमें जो छोटे छोटे कैपेसिटर तो कई सारे लगे हुए लेकिन जो मेन है वो ये बड़े वाले कैपेसिटर हैं। पहले हम इन दोनों कैपेसिटर को चेंज करेंगे, देखेंगे कि हमारे स्टेबलाइजर में कुछ सुधार हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। जहाँ तक ये कैपेसिटर चेंज करके रिले की ये दिक्कत है ये खत्म हो जानी चाहिए। अगर रिले की दिक्कत खत्म हो जाएगी तो फिर रिले हमारी सही से वर्क करेंगे और स्टेबलाइजर हमारा अच्छे से वर्क करेगा। तो सबसे पहले ये कैपेसिटर हम चेंज करते हैं। ये देखिए दोस्तों इसका मेन कैपेसिटर हमने चेंज कर दिया है, क्योंकि ये मेन कैपेसिटर इसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जितनी भी रिले हैं सब पर कॉमन एक यही कैपेसिटर है, तो इसे लगाने से काफ़ी हद तक फर्क पड़ेगा और उसके बाद में हम बाकी और कैपेसिटर भी चेंज करेंगे। फिलहाल अभी चेक करते हैं कि हमारा स्टेबलाइजर कैसा वर्क कर रहा है। देखिए डिमर को हम थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, ये देखिए स्टेबलाइजर हमारा ऑन हो गया। अब सारे स्टेप्स इसके बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, जो हमारी रिले आवाज़ कर रही थी, स्टेबलाइजर हमारा हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज दे रहा था, हमिंग कर रहा था, वो सारी दिक्कतें खत्म हो चुकी हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा किसी भी सर्किट को कितनी आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।